हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्रेडे गाइड पे। गाइस, मैं हूं शिवांश भसीन, आपका दोस्त, और मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। दो स्टॉक्स लेकर आया हूं, बैंकिंग सेक्टर के दो स्टॉक्स जो आपको अब बाय करने चाहिए। अब एक टाइम आ चुका है कि इन दो स्टॉक्स को आप बाय कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। गाइस, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले 2 या 3 सालों में दे सकती है। ये कुल मिला के सिर्फ 1300 रुपये का माल है, जिसे अगर आप उठा लेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न ये दे सकता है। गाइस, अब सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। गाइस, हमने देखा था कि मर्जर की न्यूज आई है, बैंक ऑफ बड़ौदा और बीओबी, ये सारे स्टॉक्स मिलके जो हम बात कर रहे थे कि ये एक मर्जर में आ चुके हैं, एक बैंक बन जाएगा वो। गाइस, उसके बाद हमने देखा था एक डाउनफॉल आते हुए आज हमें देखने को मिली है, जो कि 22 रुपए तक गिर चुका है। गाइस, अगर हम इसकी बात करें तो इसका 4.3 करोड़ का मार्केट कैप गिर चुका है, जो कि बहुत बुरी बात है। गाइस, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका एक सपोर्ट हम फाइंड करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि जो अभी ये स्टॉक 113 रुपये में ट्रेड कर रहा है, गाइस, वो इसका जो सपोर्ट बनते हुए आ रहा है 105 रुपये के आसपास का इसका, गाइस, सपोर्ट बनते हुए आ रहा है। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें मुझे अब ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लगती है स्टॉक के अंदर। तो गाइस, अगर आप इस स्टॉक को बाय करके चलते हैं तो ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टॉक ने यहाँ से एक फॉल दिया था, उसके बाद एक अपमूव देने की कोशिश करी, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस एक फॉल आई। फॉल आने के बाद भी हमने देखा कि इस लेवल को इसने नहीं तोड़ा, जो कि आज के लेवल को भी इसने नहीं तोड़ा। गाइस, 112 जो इसका यहां पर आप देख सकते हैं, खुद भी यहां पर पिछले यहाँ का सपोर्ट बनते हुए आ रहा है, उसे भी नहीं तोड़ पाया आज भी। सो गाइस, ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कि अब हमें यहाँ से बाय कर लेना चाहिए, जिससे हम अच्छे खासे रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सके। गाइस, अगर ये स्टॉक है तो एक और आता है कोटक महिंद्रा बैंक। गाइस, सबसे बढ़िया अगर मैं आपको बताना चाहूँ बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो मुझे सिर्फ येस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो बैंक हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। और गाइस, अगर मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात बताना चाहूँ, तो इसने एक साल तक, यानी कि 1 दिसंबर 2017 से अभी तक 200 दिन के मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा। गाइस, एक बार इसने एक महीने के लिए तोड़ा था, उसके बाद हमने एक और जंप आते हुए देखी थी, और यहाँ पर 2016 में भी हमने एक महीने के लिए इसे टूटते हुए देखा था, उसके बाद हमने एक जंप और आते हुए देख ली थी। सो गाइस, वही है इसमें कि इसने साल से 200 दिन के मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा, उसको रिस्पेक्ट देता था और वहीं से वो बाउंस कर जाता था और अपने नए हाइज की तरफ बढ़ जाता था। गाइस, आप देख चुके हैं कि अब कोटक महिंद्रा बैंक वापस अपने लोस बना रहा है और वो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आने वाला है। गाइस, यहां से कुल अगर हम बात करें तो सिर्फ 40-50 रुपए नीचे ही है वो स्टॉक। तो गाइस, अगर आपको उसके पास मिलता है कोटक बैंक, अगर आपको ये 1180 के पास अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक मिल जाता है, तो गाइस इस स्टॉक को भी उठा लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको ये बहुत बढ़िया रिटर्न देकर जाएगा। गाइस, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, सो गाइस ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जा सकता है। गाइस, अगर मैंने इसकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाई थी, जो सारे लोस को मिलकर जो एक ट्रेंड लाइन बनाई है, वो भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास आई है। सो गाइस, ये दो मिलकर एक अच्छा सपोर्ट बना रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, जिसे आप बाय करेंगे तो आप अच्छा खासा रिटर्न इसमें कमा सकते हैं। तो गाइस, ये दो बैंक्स हैं जिसके बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा था, कि कोटक महिंद्रा बैंक और एक बैंक ऑफ बड़ौदा। गाइस, ये दो स्टॉक्स भी अगर आप पोजिशनली होल्ड करके चलते हैं कल से, तो ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। गाइस, इस स्टॉक को, दोनों स्टॉक को मेरे साथ लेकर बाय करिएगा, मैं भी इन दोनों स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करूंगा हल्के हल्के लेवल्स में, और लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों स्टॉक्स को अपने बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से बाय करके चलूंगा। गाइस, एक और बैंकिंग स्टॉक है येस बैंक, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि येस बैंक एक और स्टॉक है जिसे अगर आप बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। और गाइस, आपके लिए एक टिप और है कि अगर आप मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, तो कल आपको मैं बता देता हूँ कि कल चार्ट में हमें यही लग रहा है कि मार्केट अच्छा खासा बढ़ सकती है, जिस तरीके से उसने अपने लोज बनाए थे, उस टाइम ही उसने अपने लोज प्रीवियस बनाया था, और हमने एक हाई आते हुए देखा था, क्योंकि वो एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। गाइस, 11,250 और ऊपर की तरफ 11,600। गाइस, 11,250 तक तो वो आ चुकी है, हम देख रहे हैं अभी भी अपने उसमें कि जो इंडियन रुपीस है वो 73 के आसपास आने वाला है, 73.72.77 चल रहा है, और आज भी उसने अपना 52 वीक हाई बना लिया है। पर गाइस, ये बढ़े जा रहा है, पर ये हमारी मार्केट को गिरा भी रहा है। गाइस, मैं आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि कल मार्केट बढ़ सकती है, पर जिस तरीके से हमें चार्ट शो कर रहे हैं, उस तरीके से हमें यही लग रहा है कि कल मार्केट की बढ़ने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप आईटी में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपको आईटी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कल के मार्केट में। आपको सन फार्मा में भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अपोलो हॉस्पिटल में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एचयूएल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गाइस, इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में कल जरूर रखिएगा, आपको ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। गाइस, तो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।